हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी बुक सो जैसे कि हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के टॉपिक्स कर रहे थे तो हमने उसमें कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स तक कंप्लीट कर लिया था तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है ओवुलेशन एंड कॉर्पस ल्यूटियम सो मैंने ये अपने नोट्स बना के प्रिपेयर किया है तो आप मेरी पूरी वीडियो देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सबसे पहले हम ओवुलेशन में इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं सो so, इसकी डेफिनेशन क्या है रिलीज़ ऑफ़ एन एग फ्राम एन ओवरी ड्यूरिंग द मैंस्ट्रोअल साइकिल मैंस्ट्रल साइकिल के दौरान ओवरी से जो है वो एक एग रिलीज होता है और इसी प्रोसेस को जो है हम ओवोलेशन बोलते हैं मैंस्ट्रोल साइकिल के दौरान ओवरी से क्या होता है एग रिलीज होता है और इस प्रोसेस को हम ओवोलेशन बोलते हैं अब इसका टाइम पीरियड क्या है अकड़ एट अबाउट मिडल ऑफ अ मैंस्ट्रुल साइकिल मैंस्ट्रल साइकिल के मिडल में ये होती है अबाउट फोर्टीन डेज आफ्टर द बिगनिंग ऑफ मैंटोरेशन जब मैं साइकिल मैंट्रेशन जब स्टार्ट होती है बिगिन होती है तो उसके फोर्टीन डेज के बाद ये स्टार्ट हो जाती है ओवुलेशन ठीक है तो इसका मैकेनिज्म क्या है अबाउट टू डेज बिफोर ओवलेटरी फेज अब ओवलेटरी फेज के दो दिन पहले की हम बात करें तो क्या होता है इसके मैकेनिज्म में दैट इज

मैंस्ट्रल मैंस्ट्रेशन के बाद ठीक है मैंस्ट्रल साइकिल के बाद की बात कर रहे हैं जो मैंस्ट्रेशन जब स्टार्ट होती है उसके ग्यारह से बारह दिन के बाद में क्या होता है कि एफ एस एच और एल एच की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज इंक्रीज हो जाती है नॉर्मली ये कितनी होती है टू फोल्ड्स होती है ठीक है लेकिन जब मैंस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो उसके बाद में इसकी जो रेट है वो सिक्स टू टेन फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है दिस रैपिड इंक्रीज ऑफ सिक्रीशन ऑफ एफ एस एच एंड एल एच फ्राम एडिनो हाइफोफिस इज प्रोबेबली स्टिमुलेटेड बाय द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन थ्रू अ फीडबैक इफेक्ट अब ये एफ एस एच और एल एच की जो सिक्रेशन इंक्रीज होती है एकदम से जब इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम आइडिनो हाइपोफिसिस, तो ये कौन इसको स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन का हाई लेवल जो एस्ट्रोजन का हाई लेवल है वो इसको स्टिमुलेट करता है थ्रू अ फीडबैक इफेक्ट फीडबैक इफेक्ट दे इसको जो है वो स्टिमुलेट करता है एफ एस एच एंड एल एच एक्ट साइनरजस्टिकली तो एफ एस एच और एल एच जो है वो साइनोजस्टिकली एक्ट करते हैं और साइनोजिस्टिकली का मतलब क्या होता है इंट्रेक्टिवली so मतलब और कॉपरेटिवली सो दैट ईच एलिमेंट और पार्टी इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ अदर मतलब एफ एस एच और एल एच जो है वो एक साथ वर्क करते हैं और एक दूसरे के इफ़ेक्ट को जो है वो इंक्रीज करते हैं मतलब एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं ठीक है तो ये था इसका डेफिनेशन पीरियड्स एंड मैकेजम दिस प्री ओवलेट्री सर्ज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन इज असेंशियल अब जो ओवुलेशन से पहले जो ल्यूटेनाइजिंग हारमोन में चेंजेस होती हैं वो ओवुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं एंड इट इंड्यूज द थ्री चेंजेस जिसकी वजह से जो हैं, वो इसमें तीन चेंजेस लाता है अब ये तीन चेंजेस कौन कौन से होती हैं ओवुलेशन में तीन चेंजेस कौन कौन से आएंगी रैपिड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स सबसे पहले क्या है कि फॉलिकल्स एकदम फॉलिकल की एकदम से जो है वो ग्रोथ होगी विच मूव्स क्लोजर टू द ओवेरियन सरफेस जो ओवेरियन सरफेस की तरफ मूव करेगा उसके क्लोजर जाएगा डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन्स एस्ट्रोजन्स की सिक्रेशन डिक्रीज करेगी और कहाँ से करेंगी ये फ्रॉम ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स ठीक है और थर्ड है सिक्रीशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टिरोन प्रोजेस्टिरोन जो होगा वो कम अमाउंट में सिक्रीट होगा फ्रॉम ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल्स ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स ठीक है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स में जो तीन चेंजेस आएंगे ओवुलेशन से पहले प्री ओवुलेटरी स्टेज में तो वो कौन से आएंगे कि एक तो फॉलिकल्स की एकदम से ग्रोथ होगी और वो ओवेरियन सरफेस के नज़दीक जाएगा और दूसरा क्या है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट एस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन होगी वो कम होगी डिक्रीज हो जाएगी और जो प्रोजेस्टरोन है उसकी सिक्रीशन भी कम होगी ड्यू टू रैपिड ग्राउथ ऑफ़ फॉलिकल्स अब जब फॉलिकल्स में एकदम से हो तो क्या होगा ओवरी तो की जो सरफेस होगी ओवरी की सरफेस होगी वो वर्जिस आउटवर्ड्स मतलब वो थोड़ी सी फूल जाएगी वो बड़ी हो जाएगी जब ग्रेफिन फॉलिकल्स इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली उसके जो साइज होगा वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा ओवरी का दैट फोर्म्स अमाउंट लाइक प्रोट्यूब्रेंट्स तो वो किस तरह का वो स्ट्रक्चर हो जाएगा एक माउंड की तरह एक स्टोन की तरह हो जाएगा राउंड पार्ट बन जाएगा प्रोट्यूबरेंस का मतलब होता है राउंड पार्ट और माउंड का मतलब है स्टोन दिस प्रोट्यूबरेंस अ स्मॉल एरिया अंडर दिस प्रोट्यूबरेंस नॉन एज स्टिग्मा अब इस प्रोट्यूबरेंस के अंदर क्या होगा सेंटर में क्या होगा एक स्मॉल एरिया बनेगा और उस एरिया को हम स्टिग्मा बोलेंगे ठीक है तो ये था ओवुलेशन का जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन में थोड़े से चेंजेस आते हैं वो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हाई लेवल ऑफ एफ एस एच एंड एल एच एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टिरोन इंड्यूसिस द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स अब जब एल एच का लेवल हाई होगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो इसकी वजह से भी कुछ चेंजेस आएंगी तो ये चेंजेस क्या होंगे कि थीका एक्सटर्नल सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स सीक्रेट प्रोट्यूलिटिक एंजाइम्स दैट इज क्लेजिनेस फ्रॉम देयर लाइसोजोम्स तो जो ग्रेफिन फॉलिकल्स के थी का एक्सटर्नल सेल्स होंगे वो क्या करेंगे वो प्रोटोलिटिक एंजाइम्स दैट इज क्लेजिनेस को सिक्रेट करेंगे और कहाँ से सीक्रिएट करेंगे लाइजोजोम से और ये क्या करेगा इट कॉजेज द डिसोल्यूशन ऑफ कैप्सुलर वॉल्स ये कैप्सुलर ये लाइजोजोम्स ये प्रोटोलिटिक एंजाइम क्या करेगा कैप्सुलर वॉल्स को डिसोल्यूट कर देगा जिसकी वजह से क्या होगा कि फॉलिकुलर वॉल्स जो होंगे वो वीक हो जाएंगी एंड फर्दर स्वेलिंग ऑफ फॉलिकल्स तो फॉलिकल्स में स्वेलिंग्स आ जाएंगी फर्दर फॉलिकल्स में क्या हो जाएगा स्वेलिंग हो जाएगी ठीक है ठीक है एक्सटर्नल सेल्स जो होंगे ग्राफिन फॉलिकल्स के वो प्रोटिलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा लाइजोजोम से और ये प्रोटिलिटिक एंजाइम क्या करेगा कैप्सुलर वॉल को डिसोल्यूट कर देगा जिसकी वजह से फॉलिकुलर वॉल्स जो होंगी वो वीक हो जाएंगी और जो फॉलिकल्स होंगे वो फर्दर स्वेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे प्रोस्टेगलैंड इन फॉलिकुलर टिश्य वेसोडाइलेन जो प्रोस्टग्लैंड होंगे वो फॉलिकुलर टिश्यूज में सीक्रेट होंगे और ये वेसोडाइलेशन को स्टिम्यूलेट करेंगे ठीक है तो वेसोडाइलेशन क्या होता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स को डायलेट करना और उसकी वजह से क्या होता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है Third point is, stigma degenerates and a small amount of blood followed by some of follicular fluid containing scanty oocyte and cumulus oophorus emerges out of the follicles and passes into the body cavity near the infundibulum of fallopian tube. तो अब मैंने आपको बताया था कि जो प्रोट्यूबर के अंदर जो एक सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे स्टिग्मा तो क्या होगा कि स्टिग्मा डीजनरेट होगा और जो स्मॉल अमाउंट का ब्लड होगा वो कौन लेके जाएगा फोलिकुलर फ्लूड जिसमें क्या होगा सेकेंडरी ओ होंगे और क्यूमुलस होगा जो इमर्ज आउट होंगे कहाँ से फोलिकल से और पास करेंगे वो बॉडी कैविटी से नियर द इन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब आफ्टर दिस फॉलिकल्स मेक कोलैप्स इसके बाद क्या होगा कि फॉलिकल्स कोलेप्स कर सकते हैं टूट सकते हैं और क्या होगा ओवम रिलीज होगा इज अबाउट वन फिफ्थ ऑफ मिलीमीटर इन डायामीटर ठीक है तो ये था कि हाई लेवल होगा जब एफ और एल का और प्रोजेस्टिरोन का अमाउंट कम होगा तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे ठीक है पहला तो था कि ग्रेफिन फॉलिकल सिक्रीट हो सिक्रीट करेगा प्रोटेलिटिक एंजाइम जिसकी वजह से कैप्सुलर वॉल जो होगा वो डिसोल्यूट होगा और फॉलिकुलर वॉल वीक हो जाएंगी सेकेंड था कि प्रोस्टग जो होंगे वो फॉलिकुलर टिश्यूज में सिक्रीट होंगे जो वेसोडाइलेशन को स्टिमुलेट करेगा और थर्ड था कि स्टिग्मा डिजनरेट होगा और क्या होगा कि इसकी वजह से ओवम सिक्रीट होगा सो so, इसके बाद है कि ओवुलेशन के कितने टाइप्स हैं तो ओवुलेशन के यहाँ पे टू टाइप्स हैं फर्स्ट है रिफ्लेक्स ओवुलेशन एंड सेकंड है स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन तो रिफ्लेक्स ओवुलेशन और स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन में क्या डिफरेंस है रिफ्लेक्स ओवलेशन इज इंड्यूस्ड बाय कंपोनेंट्स और स्टिमुलेशन सो ठीक है तो रिफ्लेक्स ओवलेशन क्या होती है कि एक ऐसी ovulation होती है जो कैसे इंड्यूस होती है mating of some sort of genital stimulation. So, इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे वो है रैबिट कैट र्यू मिंक एटसेट्रा अब रैबिट में जो ओवलेशन होगी वो सिंगल कोपुल से स्टिमुलेट होगी और जो शॉर्ट टेल्ड श्री होंगे वो कैसे स्टिमुलेट होंगे आफ्टर सेवरल मीटिंग्स कुछ मीटिंग्स के बाद ये स्टिमुलेट हो जाएंगे अब सेकेंड है स्पॉन्टेनियस ओबुलेशन टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ओबुलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स स्पेशली फोटो पीरियड तो जो स्पॉन्टेनियस ओबुलेशन है उसके लिए फोटो पीरियड का एक मेन रोल रहता है इसमें टाइमिंग और फ्रिक्वेंसी इसको ओबुलेशन को जो वो स्टिमुलेट करते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके बाद है ओवुलेशन का कंट्रोल So, Bodmer, जो थे उन्होंने 1968 में क्या प्रपोज किया था कि ओवुलेशन इन इज रेगुलेटेड बाय कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ तो जो उन्होंने बॉडमर ने क्या प्रपोज किया था कि जो वोटीब्रेड्स में ओवुलेशन वो, होगी वो कुछ कोऑर्डिनेटेड एक्शन से ही रेगुलेट की जाएगी तो ये कोऑर्डिनेटेड जो एक्शन थे वो कौन कौन से थे पहला था पिट्यूटरी हार्मोन्स जिसमें क्या आएंगे एफ एंड एल ऑफ एडीनोहाइफोफिस सेकेंड था ओवेरियन हॉर्मोन्स दैट इज एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टिरोन और थर्ड थे रिलीजिंग फैक्टर्स ऑफ हाइपोथैलमिस ठीक है तो ये थे इसके कंट्रोल ऑफ ओवुलेशन आप इसके डायग्राम भी बना सकते हैं जो कि आपकी बुक्स में दी होगी तो मैंने इसके डायग्राम ड्रॉ नहीं किए हैं तो आप अपनी बुक से इसको ड्रॉ कर लें सो so, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम से पहले एक सिक्स पॉइंट भी है डिटेक्शन ऑफ ओवुलेशन कि हम ओवुलेशन को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं तो इसमें तीन तरह के टेस्ट हैं सबसे पहले है बीबीटी टेस्ट दैट इज बेसिल बॉडी टेम्परेचर टेस्ट तो इस टेस्ट में क्या होता है द टाइम ऑफ ओवुलेशन इन वुमेन कैन बी इजिली डिटरमाइंड अब इसमें जो है वो वुमेन्स में जो है वो ओवुलेशन का टाइम को हम ईजिली डिटर्माइन कर सकते हैं बी बी टी टेस्ट में और कैसे बाय रिकॉर्डिंग द बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके बिफोर गेटिंग अप दिन द मॉर्निंग मॉर्निंग में उठने से पहले हम इसके टेम्परेचर को मतलब बॉडी के टेम्परेचर से पता कर सकते हैं इन प्री ओवलेट्री फेज अब ओवोलेशन से पहले बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 36.3 से 36.8 डिग्री सेल्सियस हो सकता है वायल इन पोस्ट ओवलेट्री फेज में ये इंक्रीज कर सकता है ओवोलेशन के बाद ये इंक्रीज कर सकता है 0.3 टू 0.5 डिग्री सेल्सियस तक राइज ऑफ बीबीटी इज एसोशिएटेड विद राइज ऑफ प्रोजेस्टिरोन इन द बॉडी तो अब जब बीबीटी इंक्रीज करेगा बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये किसके साथ एसोशिएट करेगा प्रोजेस्टरॉन के लेवल को इंक्रीज करने के साथ राइज करने के साथ तो इसके बाद है एस्ट्रोलॉजिकल डिटर्मिनेशन ऑफ यूट्राइन म्यूकोस म्यूकोसा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैंस्ट्रोल साइकिल एंड थर्ड है मोस्ट डिपेंडेबल टेस्ट फॉर ओवुलेशन इज टू डिटर्माइन इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द पेल्विस तो मोस्ट डिपेंडेबल टेस्ट जो है ओवुलेशन के लिए वो कौन सा है डिटर्मिनेशन बाय द इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द पेल्विस पेल्विस में इलेक्ट्रिकल चेंजेस से डिटर्मिनेशन करना ठीक है तो कॉर्पस ल्यूटियम है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तो उसको करने से पहले हम एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है ओवुलेशन में सो so, ये कॉर्पस ल्यूटियम से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ओवुलेशन क्या होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी से एक एग रिलीज होता है उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं इस होल प्रोसेस को और इसका मैकेनिज्म क्या है कि दो ओवलेटरी फेज के टू डेज पहले क्या होता है कि जो एफ एस एच और एल एच की सिक्रीशन है वो सिक्स टू टेन फोल्ड्स में इंक्रीज कर जाएगी नॉर्मली ये टू फोल्ड्स होती है और ये जो है जब इंक्रीज करेगी तो ये कौन स्टिमुलेट करेगा एस्ट्रोजन का हाई लेवल एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई होता है और ये अपने थ्रू फीडबैक इफेक्ट्स से जो है एफ एस एच और एल एच की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा अब एफ एस एच और एल एच भी आपस में साइनोजिस्टिकली एक्ट करते हैं मतलब ये आपस में क्या करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं ठीक है तो ये है मैकेनिज्म इसका और इस अब इसके बाद क्या है कि ओवरीज में भी मतलब फॉलिकल्स की क्या होगी कुछ ग्रोथ होगी रैपिड ग्रोथ होगी फॉलिकल्स की एस्ट्रोजन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट भी अमाउंट सिक्रीशन कम हो जाएगा अब जब फॉलिकल्स की रैपिड ग्रोथ होगी तो जो सरफेस होगी ओवरी की वो भी थोड़ी सी बल्ज हो जाएगी अब बाहर की तरफ को थोड़ी स्वोलन हो जाएगी फूल जाएगी जब फॉलिकल्स की इंक्रीज होगा फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी जब अब जब वहाँ से ग्रोथ होगी तो वहाँ से जो है वो ओवरी का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक माउंड की तरह हो जाएगा प्रोट्यूबरेंस की तरह हो जाएगा मतलब कि ये एक राउंड पार्ट बन जाएगा एक पत्थर की तरह स्टोन की तरह प्रोट्यूबरेंस में क्या होगा एक सेंटर बनेगा और उस सेंटर को हम स्टिग्मा बोलेंगे तो इसके जो डायग्राम है वो आप बुक में देख सकते हैं अपनी बुक में सो हाई लेवल होगा एफ और एल का और प्रोजेस्टोर का अमाउंट कम होगा तो इसकी वजह से भी कुछ चेंजेस आएंगी ठीक है तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स में थीका एक्सटर्नल सेल्स होंगे वो प्रोटोलिटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करेंगे जो क्या करेंगे कैप्सुलर वॉल को डिसोल्यूट कर देंगे और जिसकी वजह से फॉलिकुलर वॉल्स जो होंगी वो वीक हो जाएंगी प्रोस्ट ग्लैंडिंग जो होंगे वो फॉलिकुलर टिश्यूज में सीक्रेट होंगे और जो वेसोडाइलेशन को स्टिमुलेट करेंगे अब वेसोडाइलेशन का मतलब है ब्लड वेसल्स को ट करना और और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना स्टिग्मा जो होगा वो डीजनरेट होगा और स्मॉल अमाउंट में ब्लड फॉलोड करेगा फॉलिकुलर फ्लूड अब इस इस सारे प्रोसेस से क्या होगा कि फॉलिकुल क्लैप्स हो जाएंगे जिसकी वजह से ओवम रिलीज होगा टू टाइप्स की ओवुलेशन होगी रिफ्लेक्स ओवुलेशन जो रैबिट, कैट श्री मिंक मिंक एटसेट्रा में होगी और जो स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन होगी वो उसमें पीरियड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होंगे और टाइम और फ्रीक्वेंसी इसको स्टिमुलेट करेगी अब इसके कंट्रोल के लिए जो था वार्डमर थे उन्होंने 1968 में में प्रपोज किया था कि जो वर्टिब्रेट्स ओवुलेशन होगी वो कुछ उसके फैक्टर्स जो होंगे वो उसको रेगुलेट करेंगे अब ये हॉर्मोन्स कौन से थे दैट इज पिट्यूटरी हारमोन्स दैट इज एफ एस एच एंड एल एच ऑफ एडेनोहाइपोफिस ओवेरियन हारमोन्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरोन थे और थर्ड थे रिलीजिंग फैक्टर्स ऑफ हाइपोथेलमिस इसके बाद है डिटेक्शन ऑफ ओवेशन ओबुलेशन के डिटेक्शन के लिए तीन टेस्टेज हैं पहला है बीबीटी टेस्ट बेसल बॉडी टेम्परेचर टेस्ट जिसमें बॉडी का टेम्परेचर लेके उससे चेक किया जाता है कि ओबुलेशन का टेम्परेचर मतलब कितना राइज किया किया है और सेकंड है कि हिस्टोजिकल डिटर्मिनेशन ऑफ यूटेराइन म्यूकोसा एंड थर्ड है मोस्ट डिपेंडेबल कि इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो होते हैं पेलविस में उससे भी ये डिटर्माइन कर लेते हैं सो so, इसके बाद जो टॉपिक है वो है कॉरपस ल्यूटियम सो so, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कॉर्पस ल्यूटियम एंड ओवुलेशन तो मेरे साथ जरूर बने रहें सो so, देखिए कि कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या होता है कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी और ल्यूटियम का मतलब होता है येलो तो इसमें हम चार पोर्शन में इसको पढ़ेंगे पहला है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है दूसरा है इसका कंट्रोल थर्ड है इसके फंक्शंस एंड फोर्थ है इसके फेट ठीक है तो इसको हम येलो बॉडी भी बोलते हैं तो इसके फॉर्मेशन कैसे हुई है आफ्टर ओवुलेशन ओवुलेशन के बाद होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम ठीक है तो आफ्टर ओवोलेशन एमटीग्राफिन फॉलिकल्स फर्स्ट चेंजेस इनटू कॉर्पस हिमोरेगियम ड्यूरिंग नेक्स्ट फ्यू आवर्स फॉलिकल्स अंडरगोस द प्रोसेस ऑफ ल्यूटेनाइजेशन विच इज करैक्टराइज बाय ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ फॉलिकल्स चेंजड रैपिडली इंटू ल्यूटे सेल्स तो ओवुलेशन के बाद क्या होता है जो एम्प्टीग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं वो सबसे पहले कॉर्पस हेमोरेगिकम में चेंज हो जाते हैं और उसके कुछ घंटे के बाद ये जो फॉलिकल्स हैं वो ल्यूटिनाइजेशन के प्रोसेस के लिए चले जाते हैं तो इसमें क्या होता है ल्यूटेनाइजेशन में ग्रेनुलसा सेल्स ऑफ फॉलिकल्स चेंज रेपिडली इन टू ल्यूटिन सेल्स तो जो ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे फॉलिकल्स में वो चेंज हो जाएंगे एकदम से ल्यूटिन सेल्स में विच एन लार्ज इन साइज जो जो कि साइज में 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 बड़े होंगे होंगे तो ठीक है सेल्स सेल्स वो ल्यूटिन एकदम से चेंज हो जाएंगे जो ल्यूटिन सेल्स होंगे इनका साइज टू टू थ्री टाइम्स ज्यादा होगा और ये येलो कलर के होंगे ल्यूटिन सेल्स डिवेल्प एंड एक्सटेंसिव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्टार्ट सीक्रेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टिरोम तो ल्यूटिन सेल्स जो होंगे वो डेवलप करें होंगे एक्सटेंसिव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ये क्या करेंगे लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देंगे दिस चेंजेस ट्रांसफॉर्म्स द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल्स इनटू द सोलिड येलो कर्ड कलर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम अब ये जो चेंजेस आएंगे ग्राफियन फॉलिकल्स में ये जो चेंजेस होंगे इसमें तो क्या होगा कि जो एम्पटीग्राफिन फॉलिकल्स होंगे वो सॉलिड येलो कलर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड में जब चेंज हो जाएंगे तो इसी को ही हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे ठीक है तो कैसे होती है इसकी फॉर्मेशन की ओवुलेशन के बाद एम्पटिग्राफिन फॉलिकल्स सबसे पहले कॉर्पस हीम में चेंज होगा उसके बाद इसमें ल्यूटेनाइजेशन होगी जिसमें क्या होंगे कि क्रैनुलोसा सेल्स जो होंगे ल्यूटिन सेल्स में चेंज होंगे जो येलो कलर्ड के होंगे और ये जब चेंजेस आएंगी फॉलिकल्स में तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम सो इसके बाद है इसकी कंट्रोल तो मेनली कंट्रोल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ एडिनो हाइपोफिसिस ठीक है तो इसमें कौन सा हार्मोन इसके कंट्रोल के लिए हेल्प करते हैं दैट इज एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके बाद है इसके फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन तो ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर से जो मैंने ओवरी का लेक्चर पढ़ाया था उसमें भी डिस्कस किया है पर फिर भी कर लेते हैं इसको डिस्कस हम तो फर्स्ट फंक्शन है इसका मेक्स यूट्रस हेल्दी प्लेस फॉर अ फीटस टू ग्रो तो ये क्या करता है जो यूट्रस होता है इसको हेल्दी बनाए रखता है ताकि इसमें फीटस अच्छी तरह से ग्रो कर सके इट रिलीजेस अ हॉर्मोन प्रोजेस्टिरोन दैट प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी और दूसरा काम क्या है कॉर्पस ल्यूटियम का कि ये एक प्रोजेस्टिरोन हार्मोन को सिक्रिएट करता है जो प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है उसके बाद है इन इन द एबसेंस ऑफ प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी ना हो तो ये कैसे वर्क करता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा टूट जाएगा और ये क्या करेगा कॉर्पस ल्यूटियम बनाना बंद कर देगा और ये किस में चेंज हो जाएगा कॉर्पस अल्बिकांस में दिस लीड्स टू एंडोमिट्रियम डिसइंटीग्रेशन जिसकी वजह से एंडोमिट्रियम वॉल टूट जाएगी और मैंस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी मैंस्टोरेशन होगी ठीक है तो क्या है इसके फंक्शन एक तो ये यूट्रस को हेल्दी बनाए रखता है दूसरा ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रिएट करता है और अगर ये प्रेगनेंसी में अब्सेंस हो प्रेगनेंसी ना हो तो ये कैसे वर्क करता है ये कॉर्पस अलविकन्स में ये चेंज हो जाता है और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम वॉल टूट जाती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है सो so, इसके बाद है फेट ऑफ कॉर्पस कॉर्पसल्यूटियम सो so, इसमें फेट क्या है कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन स्टार्ट्स अ फ्यू आवर्स आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन जो है वो ओवुलेशन के कुछ घंटे के बाद स्टार्ट हो जाती है और ये कुछ दिनों तक रहती है इफ ओवन फर्टिलाइज देन प्रेगनेंसी अकर्स अगर फर्टिलाइजेशन होगी तभी क्या होगा प्रेग्नेंसी होगी एंड कॉर्पस ल्यूटिम कंटिन्यूज टू ग्रो टू अगर प्रेगने, प्रेगनेंसी होगी फॉर ओवम फर्टिलाइज करेगा प्रेग्नेंसी होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा कंटिन्यू ग्रो करना स्टार्ट कर देगा कुछ महीनों के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम बैरम ठीक है कॉर्पस ल्यूटियम बैरम बोलेंगे अगर ओवलेशन हो अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो दिस एनलार्जमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम जब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा इंक्रीज करेगा बड़ा होगा मतलब वो ग्रो करेगा एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टिरोन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टिरोन की सिक्रेशन होगी तो ये कौन रेगुलेट करेगा इसको मतलब कॉर्पस ल्यूटियम के इंक्रीजमेंट और प्रोजेस्टिरोन की सिक्रेशन इन दोनों चीजों को कौन रेगुलेट करेगा एच सी जी डेट इज ह्यूमन कॉरियोनिकुनेडोट्रॉफिन हार्मोन ये कौन सा हार्मोन है प्रोटीनेशियस हार्मोन जो कहाँ से सिक्रिएट होता है प्लेसेंटा से इन प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स डीजेनेरेटिंग आफ्टर 13 टू 17 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनेरेट करना स्टार्ट कर देता है गेस्टेशन पीरियड के 13 टू 17 वीक के बाद ठीक है अब गेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि द होल टाइम जो होता है प्रेगनेंसी का उसको हम पीरियड बोलते हैं एंड चेंजेस इन टू व्हाइट कलर एंडोक्राइन ग्लैंड उसके बाद क्या हो गया प्रेगनेंसी के बाद कॉर्पस ल्यूटियम फाइनली व्हाइट कलर एंडोक्राइन ग्लैंड में चेंज हो जाएगा आफ्टर सेवन थर्टीन टू सेवनटीन वीक के बाद तो उसको हम बोलेंगे कॉर्पस अल्बिकॉन्स ठीक है तो ये था आपका टॉपिक कॉर्पस ल्यूटियम ये बहुत ही इजी टॉपिक है आप इसको रिवाइज मतलब एक बार फिर से देख सकते हैं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आपको लगे कि मेरे चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा मैंस्ट्रल साइकल्स फ़र्टिलाइजेशन इम्प्लानशनस ठीक है तो आप मेरे साथ जरूर बने रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप स्पॉटिंग थैंक यू